तो बात है 10 मार्च 2024 की, जब हम सारे दोस्त बोर्ड एग्ज़ाम के बाद एक दूसरे से मिलने आए थे, शायद आखिरी बार। बड़े अतरंगी कैरेक्टर्स हैं, मैं एक एक करके उन सभी से मिलवाऊंगा। वैसे ईयरफोन्स की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी लगा लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड हो चुके हैं एंड बोर्ड एग्ज़ाम एंड होने की खुशी से ज़्यादा दोस्तों से बिछड़ने का दुख है। सो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब बोर्ड्स भी एंड हो चुके हैं तो अब कौन कहाँ चला जाएगा, कैसे रहेगा, इसलिए एक लास्ट टाइम सबको मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग कल बोर्ड्स एंड हुआ 9 तारीख को एंड आज 10 तारीख को सुबह में हम सब का प्लान था मिलने का। तो एज यू नो लास्ट तक पूछना पड़ता है कि भाई आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी बंदा सब कैंसिल कर देता है। सो सब लोग आ रहे हैं एंड दो लोग आ भी चुके हैं, मैं दिखाता हूँ। ये दोनों हैं मेरे दोस्त, एक पीयूष है और एक मयंक, दोनों अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, कट्टर हिंदू। एंड अभी बाकी लोग भी आ रहे हैं। अभी हम लोग राज कैंपस के अंदर हैं, देख सकते हो। ये मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रीनरी और क्लीनलीनेस मेंटेन है वो यहीं पर है। सो अगर आप दरभंगा आओ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। एंड बगल में ही श्यामा मंदिर है, सो जाने से पहले हम लोग वहाँ भी विज़िट करेंगे। अभी थोड़ा सा हाँफ रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा खेल भी लिए थे अभी। ओके, देखते हैं अभी बाकी लोग को आने दो। 2000 years later। सो फाइनली हमारे बाकी दो दोस्त भी आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत लेट से आए हैं, बट आखिरकार आ गए। ये ओम है और ये है हमारे स्कूल कैप्टन प्रांजल। वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, इतना बड़ा औकात मत दो। एंड स्कूल टॉपर रह चुके हैं हमारे, ही इज माई, क्या बोलते हैं, ही इज माई इंस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ डिप्रेशन। सो अभी बाकी लोग भी आना बाकी है, देखते हैं। तब तक आप ग्रीनरी एंजॉय करो। हेलो, सिलेबस भी हम ही लोग में टम तक दिया, सिलेबस हम ही लोग दिया, उसका आज तक भुगत रहे। हम ही लोग में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लाया सबसे पहले। टेंथ में तो पता नहीं चला कौन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। पहले इतना नहीं पूछता था, पहले बहुत सारे मींस थ्योरी डेफिनेशन से। तुम कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन देख लो कितना ज्यादा, वो असली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन हवड़ी में पढ़े हैं, देखे 2 मिनट बचा भाई मेरे पास, कॉपी 2 मिनट में ले लेगा तो क्वेश्चन कैसे पढ़े हैं। तुम तो सीधे क्वेश्चन देखोगे, जो दिया हुआ है बस वही देखोगे, क्या पूछ रहा है बस वही देखोगे। भाई देखे नहीं कि एक्सपीएस पूछ रहा है, हम सीधे पीएक्स को किए, भाई देखे नहीं आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट इस बार बोर्ड में नहीं हो पाया भाई, अगर टाइम बचता होगा क्वेश्चन के लिए 5 मिनट भी 10 मिनट भी तो बन जाता, बन जाता। मेरा कुछ ठीक से नहीं हुआ, कभी रात में जगते थे कभी 4 बजे उठते थे, कभी 4 बजे रात में मैसेज कर रहे हैं, कभी सुबह 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 6 बजे कर रहे हैं। ये जो बोलता है ना कोई कि 9 बजे सो जाओ, फिर 3 बजे उठ जाना, फिर पढ़ना, फिर बीच में सो जाना, फिर उठ जाना, ऐसा भाई नहीं होता भाई। हाँ ये होता है भाई, रात तक पढ़ो लेट उठो चलता, पर जल्दी उठो। हमको विश्वास ही नहीं होता कि हम सुबह में उठ पाएंगे, और नहीं उठ पाए तो क्या गया मेरा टाइम। हाँ यही है, हम भी तो इसलिए हम 9 बजे तुम सो 2 बजे उठोगे उसी समय। हाँ क्या 4 बजे इतना रहता था, उठते ही नहीं थे। भाई कैमरा से नहीं, आंखों से देखना चाहिए। हम चले जाते मोबाइल, क्या भाई दिक्कत नहीं था, मोबाइल जाता था, यहाँ दिक्कत रहता है। किधर चलोगे? साफ सफाई भी हो रहा है। कहाँ जाएगा? इधर से ऐसे घूम करके सीधे घर, मंदिर तरफ, मंदिर तरफ पहले, पहले मंदिर तरफ चलते फिर घर। चलो पुष्पा नहीं आएगा, छोड़ो ना यार उसे।
घाट से 5 मिनट पहुँचेगा वहाँ से डायरेक्ट यहीं पे लैंड करेगा। किस चीज से वो आ रहा है हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। 5 मिनट पहुँच जाएगा कहाँ? सारा मोहनपुर से आगे है गौसा घाट, वहाँ से वो आएगा कंगवा गुमती से लेकर के यहाँ तक। कहाँ से? अतिहार है ना गांव का नाम। हाँ डेवलप्ड गांव है हमको भी ना, लेकिन गांव तो गांव भी होता है। नहीं भाई ऐसा हम देख रहे हैं बहुत सारे गांव है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। गांव हाँ, सिटी हाँ। नहीं आ चाहिए क्योंकि शहर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है वो। भाई मेरा गांव तो नहीं है लेकिन मेरे गांव में भाई फैसिलिटी सारा है लेकिन शहर से कनेक्टेड नहीं है। नॉर्मल एकदम नॉर्मल तरह है पहले ऐसे। भाई कितना मस्त है। अब तो गांव ऐसा लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है गांव पूरा खाली हो गया। खाली लगता है। हम जब जाते थे पहले तो कितना घर घर पे ताला ही लगा रहता था। प्रणब मिश्रा बोलो ये प्रणब मिश्रा सर। भाई वो कुछ भी रैंडम ब्लॉग बना देता है। सौरभ जोशी मेरा नॉर्मल मोमेंट्स को कैप्चर कर। 25 मिलियन वाला है साला। 25 मिलियन हम भी हो जाएंगे। चलो चलो संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? गे हो क्या गलत जगह म्यूट करना पड़ेगा भाई ये सेक्शन। भाई बोलते कि नहीं भाई म्यूट मत करना लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। वो किधर आ गया? कौन वो साइकिल वाला आदमी? वो निकल गया। तब प्रांजल यहीं तक का सफर था मतलब रहेंगे लेकिन अब ऐसे सफर तो रहेगा ये हम लोग रहे ना रहे। तो बोलता है ना क्या यही तक सफर था सबसे पहले पंखा चेक करते सबसे पहले। अरे देखो मैसेज ऐसे मैसेज जैसे मैसेज किया यही तक सफर था दोस्त। क्या बात नहीं आएगा इधर नहीं आना तुमको। चलो चलो क्या मनो चामना मन नहीं तो नहीं बात करना। हाँ चलो मनोकामना पूरा हो गया। चलो पहले पहले पता है मनोकामना मंदिर पर सब लिखता था। हाँ सुने हैं अभी तक मनोकामना पूरा होगा वहाँ पे सब लिखा हुआ है। हम भी एक बार लिखे थे जब पहले बार आए थे नहीं तब तक इतना बड़ा सपना नहीं था भाई साहब। आजकल रैंडम ब्लॉग पे ज्यादा व्यूज आता है। बनाओ ना यार हम तुमको प्रमोट करेंगे अपने चैनल पे अपने कम्युनिटी पे। गेमिंग के बारे में सोचते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ गेमिंग को फिर से मैं स्टार्ट कर दूँ। करो भाई सही रहेगा। साला व्यूज आता नहीं है 20-30। मैं हूं ना हम प्रमोट कर देंगे। ये पता है प्रणव इसका गेट कभी नहीं खुलता है। 8वीं में हम लोग आए थे ना 8वीं 9वीं में। हां प्रणव वो ये सब छड़प किसके अंदर घुसा हुआ था बंद था पूरा तो ये हमेशा बंद ही रहता है। आज छड़प गया था वो अंदर कूद के जाओ इसके अंदर वैसे बैठा हुआ घास खुद पे कुछ लाए ही नहीं खेलने के लिए तो खेल लेते तो बोले थे आओ ना मैं तुम्हें खिलाता हूं। फ्यूचर है ना खेलने के हमारा फ्यूचर है ना खेलने के उससे आप कर लेंगे। अंदर स्लाइड भी होगा उसी पे बैठ। ये यही कहा है बोल रहा था तुम। हां ये जो महल है इसके अंदर जाने नहीं देता है। पैलेस है कोई? अरे मयंक ये कौन सा पैलेस है? नरगौना नरगौना पैलेस। संस्कृत यूनिवर्सिटी ये है। संस्कृत यूनिवर्सिटी ये संस्कृत यूनिवर्सिटी नरगौना पैलेस उधर है। ये है नरगौना पैलेस मतलब महल वो है। महल वो है ये है। क्या तो महल है रे ये क्या था तो नाम को याद नहीं भाई। वहाँ पे ट्रेन का पटरी आता है देख लेंगे अभी।
वही था पहला। अब वही वो जो अंग्रेज मना कर दिया था तो अपना रेलवे लाइन बिछा दिए थे दरभंगा में। औकात भाई, औकात दिखा दिए सेवेज दरभंगा महाराज। वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर में वही अंग्रेज सब बीच में फाइटर प्लेन दे दिए भाई। नहाए तो नहीं है। फिर मयंक ने मंदिर में पूजा किया। उसके बाद हम सब लोग श्यामा मंदिर गए। तब तक पुष्पेंद्र भी आ चुका था, पुष्पा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फिर उसके बाद हम सब लोग स्मार्ट बाज़ार गए। नहीं नहीं, कुछ खरीदने के लिए नहीं, गर्मी लग रही थी तो एसी की हवा खाने के लिए चले गए। बट आते वक्त उनको बुरा ना लगे इसलिए हम लोगों ने कुछ खाने की चीज़ें भी खरीद ली। फिर उसके बाद 11:30 बजे हम सब लोग अपने घर चले गए।